हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फटाफट देखते हैं मैजिक हीना पेस्ट। फ्रेंड्स, ये पेस्ट बनेगा टू पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट के अंदर आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए फटाफट समझ लेते हैं। 3 चम्मच नॉर्मल चाय पत्ती पाउडर, 1 ग्रीन टी बैग या लूज ग्रीन टी लीव्स, 5 से 6 बड़ी लौंग जिन्हें बाद में कूट के डालना है, 3 से 4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, जितना आपको बालों का शेड चाहिए उसके अकॉर्डिंग, साथ ही विटामिन ई ऑयल 1/2 स्पून जो कि 3 से 4 कैप्सूल के अंदर निकल जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने 2 सॉस पैन में 1-1 कप पानी उबलने के लिए रखा है। 1 सॉस पैन के अंदर हमें चाय पत्ती उबलने के लिए डाल देनी है, जिसके अंदर ग्रीन टी भी हो। साथ ही हमने उसमें कुटी हुई 6 से 7 लौंग पाउडर डाल दिया है। जब तक ये उबले, दूसरी तरफ हमें जो पानी है थोड़ा उबलते ही उसके अंदर आपको कॉफ़ी पाउडर डालना है। कॉफ़ी पाउडर जब उबलने लगेगा तो आपको उसमें विटामिन ई ऑयल डालना है। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल ना हो तो परेशान ना हो, उसके अंदर आप ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। यहाँ आपको एक बात बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किसी भी तरीके से हीना पेस्ट बना रहे हो तो प्लीज़ हीना पाउडर के अंदर डायरेक्ट ऑयल ना डालें, क्योंकि वो मिक्स भी नहीं होगा, वहाँ जाके क्लम्प बना लेगा। तो मैंने यहाँ पर अभी विटामिन ई ऑयल डाला है और देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको। कॉफ़ी में विटामिन ई ऑयल मैंने इसलिए डाला कि अगर मैं विटामिन ई ऑयल या कोई भी ऑयल चाय पत्ती में डालती हूँ तो चाय पत्ती उसको सोख लेगा और उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए हीना पे वो नहीं आएगा। तो हमेशा कॉफ़ी पाउडर में या प्लेन पानी में अगर पेस्ट बना रही हूँ तो उसमें और विटामिन ई ऑयल डालें। बीच बीच में आप चाय पत्ती को घुमाते रहें। अब आपको एक बड़े बॉल के अंदर कॉफ़ी पाउडर जो कि बॉईल हो चुका है विटामिन ई ऑयल के साथ में, उसको ट्रांसफ़र करना है। जब आप ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस देख रहे हैं होंगे और चाय पत्ती के पानी को डालने के प्रोसेस भी देख रहे होंगे, उस बीच में आपको फटाफट बता देती हूँ कि हीना पाउडर आगे क्या करता है। हीना पाउडर आपके बालों में एक पतली कलर की लेयर बनाता जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल जिनकी क्यूटिकल किसी वजह से रफ हो गए हों, किसी भी ट्रीटमेंट की वजह से या ध्यान ना देने की वजह से, तो उन पर स्मूथ लेयरिंग आने स्टार्ट हो जाती है। बाल अंदर सील हो जाता है जिसको उसको रिपेयर होने के लिए टाइम लेना लगता है। इस बीच जो हीना की लेयर है वो आपके बालों को एक स्मूथ शाइन देने लगती है और कलर देने लगती है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने नेल्स को ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश से कोट कर लें और उसमें जो शाइन आ जाए, इसी तरह हीना हमारे बालों को इम्पैक्ट देती है। उसके साथ हम जो बाकी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो बालों की रूट्स को मॉइस्चर देता है, उनको स्टिमुलेट करता है, डैंड्रफ दूर करता है। तो यहाँ पर जो ग्रीन टी है वो आपके बालों में से डैंड्रफ हटाती है और किसी भी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन है तो धीरे धीरे वो दूर हो जाता है। लौंग आपके बालों में रूट्स के अंदर थोड़ा सा हीट देती है ताकि वो स्टिमुलेट होते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। साथ ही लौंग का एक और काम है कि जब आप इसे मेहंदी के साथ भिगोते हैं तो मेहंदी का कलर बहुत ही निखर के बाहर आता है। चाय पत्ती बरसों से जानी जाती है बालों को घना और शाइन देने के लिए, क्योंकि इसका कलर मेहंदी के साथ मिलकर एक और डिफरेंट टिंट बनाता है जो कि रेड नहीं होता। तो जो लोग नहीं चाहते कि उनके बाल लाल दिखें, वो प्लीज़ कॉफ़ी पाउडर और चाय पत्ती के पानी को यूज़ में लें मेहंदी भिगोने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि मैंने मेहंदी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर और चाय पत्ती के पानी को एक साथ मिक्स कर लिया है मेहंदी के साथ। इसको आपको थोड़ी देर तक चलाना है
और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद इसको आपको एक सेलोफेन पेपर से कवर करके रात भर रखना है, कम से कम 12 आवर्स। 12 आवर्स में इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, इसके हर्ब्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि अब बना के आधे घंटे के अंदर इसको लगा लें, क्योंकि उसका कोई इम्पेक्ट आएगा ही नहीं। जब तक ये इंग्रेडिएंट्स आपस में कॉम्प्रोमाइज़ होके एक यूनिक पेस्ट नहीं बना लेते, तब तक आपके बालों में डिज़ायर जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। इस तरह से अब आप एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद में रबर बैंड लगा के प्लास्टिक की ऊपर पॉलीथीन लगाई और उसको पैक करके कम से कम 12 घंटे के लिए रख सकते। 12 घंटे बाद में जब आप उसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर नज़र आने लगेंगे। तो चलिए सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस हीना पेस्ट में बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा है और इसका मॉइस्चर इसके अंदर लॉक रहा है। तो प्लीज़ आप ये मेथड अडॉप्ट करें, रात में इसको अच्छे से सेलोफेन पेपर से कवर करके रबर बैंड लगा के अच्छे से ढक दें। अब पेस्ट का सेकेंड पार्ट, इसके लिए आपको चाहिएंगे इस पेस्ट के कम से कम 5 चम्मच कमर तक के बालों के लिए, और साथ ही इसके अलावा इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे उसमें सबसे पहले है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की खूबियाँ हम सभी को बहुत अच्छे से पता हैं, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपकी डिमांड पे मैं अच्छे से डिटेल में बना दूंगी। अभी 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे, साथ ही 1 नींबू का पूरा रस जो कि 3 से 4 स्पून निकलेगा। इसके अलावा इसमें आपको जो थर्ड इन्ग्रीडियंट डालना है फ्रेंड्स वो है कर्ड। हाँ, ध्यान रहे कर्ड गाढ़ा हो और बिल्कुल भी पतला ना हो, क्योंकि अगर पतला दही हम डालते हैं तो वो हीना से पानी छोड़ देता है और हमारे बालों में लगाने के बाद पानी निकलता रहता है जो बड़ा ही मैसी हो जाता है। पर जब आप गाढ़ा दही डालेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मिलकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें। इस स्मूथ पेस्ट की कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट बॉडी लोशन जैसी होनी चाहिए, जो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह ये दिखना चाहिए ताकि लगाने के समय ये ना पतला हो ना गाढ़ा हो। बालों को अच्छे से आप ब्रश कीजिए, बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, चाहे बाल धुले हुए ना हो लेकिन उनमें ऑयल नहीं होना चाहिए। ब्रश करने के बाद एक पतले कंघे से उनको और अच्छे से डिटेंगल कीजिए। लेयर बाय लेयर आप हीना अप्लाई कीजिए, शावर कैप लगाएं और हीना लगाते समय ग्लव्स जरूर पहनना है। 1 घंटे तक हमें हीना को सेटल होने देना है और माइल्ड शैम्पू से उसके बाद में उसे वॉश करना है। आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत उसके बाद नहीं होगी। बच्चे हुए पेस्ट को आप इस तरह से फिर से स्टोर करके रख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, बिग थैंक्स ये YouTube वीडियो देखने के लिए। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।